हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दिवाली क्लीनिंग ऑलमोस्ट सभी के घरों में स्टार्ट हो गई होगी। मैंने भी किचन से शुरुआत की है सफाई की अपने घर में। किचन है जो घर में सबसे बिजिएस्ट और मेसी रहता है। डेली और वीकली किचन क्लीनिंग रूटीन के बाद भी ऐसे बहुत से एरियाज या स्पेसेस रह जाते हैं किचन में जहाँ सफाई के लिए ध्यान देने की ज़रूरत होती है, डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। किचन का हर कॉर्नर जैसे अपर लोअर कैबिनेट, किचन अप्लाइंसेस, किचन काउंटर टॉप, किचन फ्लोर और सीलिंग सब अच्छे से साफ करना, डीप क्लीन करना, जो डेली क्लीनिंग रूटीन में पॉसिबल नहीं है। इस दिन मैंने किचन को डीप क्लीन किया है और स्टार्ट की है सफाई मैंने चिमनी से। ऑयल कलेक्टर और फिल्टर हमेशा इतने ऑयली और ग्रीसी हो जाते हैं जिन्हें साफ़ करना थोड़ा मुश्किल रहता है। ऑयल कलेक्टर और फिल्टर को पहले मैंने गर्म पानी से साफ़ किया है ताकि थोड़ा डीग्रीस हो जाए और इनकी सफाई जल्दी और ईजीली हो जाए। ऑलमोस्ट मैंने किचन के सभी सर्फेसिस क्लीन किए हैं इस किचन क्लीनर और डीग्रीसर के साथ। मेटल, वुड, टाइल्स, ग्रेनाइट, इवन किचन अप्लाइंसेस पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ भी किचन में ग्रीस या ऑयल स्टेन्स हैं वहाँ इसे स्प्रे करना है और किसी भी माइक्रोफाइबर या किचन क्लॉथ से वाइप करके साफ करना है। मैंने ऑयल कलेक्टर और फिल्टर्स पे 10 मिनट के लिए स्टेन वीक को स्प्रे करके छोड़ दिया था और उसके बाद डिश वॉश स्प्रे थोड़ा करके मैंने इन्हें साफ़ किया है। टूथब्रश मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फिल्टर्स के गैप्स को साफ़ करने के लिए। मैं लास्ट 3 वीक्स से इसे यूज़ कर रही हूँ अपने किचन में क्लीनिंग के लिए। बहुत ही इफेक्टिव ऑयल स्टेन रिमूवर और डीग्रीसर है ये। चिमनी फिल्टर और ऑयल कलेक्टर इससे बहुत अच्छे से साफ हुए हैं और मैंने इसी किचन क्लीनर से बैकस्प्लैश, किचन काउंटर टॉप, गैस टॉप, टोस्टर, माइक्रोवेव और इवन फ्रिज भी साफ़ किया है। चिमनी हुड भी मैंने इसी क्लीनर के साथ साफ़ की है। पहले ड्राई डस्ट किया है इसे और उसके बाद स्टेन वीक को स्प्रे करके मैंने इस चिमनी हुड को साफ़ किया है। सीलिंग फैन या एग्जॉस्ट फैन अगर किचन में है तो इस क्लीनर से वो भी साफ़ कर सकते हैं। ऑयल और ग्रीस बहुत अच्छे से रिमूव करता है ये प्रोडक्ट। नॉन टॉक्सिक और इको फ्रेंडली ये किचन क्लीनर है। किचन अप्लाइंसेस पे भी ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ़ है। टोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ऑयली और ग्रीसी है, चीज़ काफ़ी चिपका हुआ है इस टोस्टर पे। स्टेन वी को 5 मिनट के लिए मैंने स्प्रे करके छोड़ दिया था इस टोस्टर पे और उसके बाद पेपर टॉवल के साथ मैंने पूरा टोस्टर पहले साफ़ किया है और उसके बाद किचन क्लॉथ को थोड़ा गर्म पानी में डिप करने के बाद फाइनली मैंने इस टोस्टर को साफ़ किया था। पेपर टॉवल से पहले साफ़ करने का ये फ़ायदा है कि किचन क्लॉथ ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, सारी जो मेन सफाई थी वो पेपर टॉवल से ही होगी थी। वॉफल मेकर भी इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं स्टेन वी के साथ और इसके बाद मैंने माइक्रोवेव भी इसी किचन क्लीनर के साथ साफ़ किया है। किचन अप्लाइंसेस जो ज़्यादा गंदे थे वो मैंने पहले साफ़ किए हैं और उसके बाद किचन काउंटर टॉप, गैस टॉप, बैक स्प्लैश, कैबिनेट और फ्लोर उसके बाद मैंने साफ़ किया किचन का। स्टेन वी किचन क्लीनिंग को थोड़ा इजी कर देता है। एक ही प्रोडक्ट से अगर सभी किचन सरफेसेस क्लीन हो जाएं तो टाइम और एफर्ट बचता है और क्लीनिंग प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाता है। बैक स्प्लैश पे बहुत सारे ऑयल स्टेन्स आप देख सकते हैं। फ्रोज़न कोई भी स्नैक डीप फ्राई करते टाइम ये स्टेन्स ज़्यादा आ जाते हैं गैस टॉप और बैक स्प्लैश पे। इवन रेगुलर कुकिंग से भी बैक स्प्लैश ईजिली गंदा हो जाता है और ये ऑलमोस्ट डेली किचन क्लीनिंग रूटीन का ही पार्ट है। क्लीनिंग रूल या क्लीनिंग सिस्टम एक मैं फॉलो करती हूँ जिससे क्लीनिंग प्रोसेस ईजी हो जाता है और टाइम भी सेव होता है। टॉप टू बॉटम मैंने किचन पूरा यहाँ पर क्लीन किया है। चिमनी, बैक स्प्लैश, गैस टॉप, किचन काउंटर टॉप और किचन कैबिनेट, उसके बाद किचन ड्रॉर्स और किचन सिंक और सबसे लास्ट में मैंने किचन फ्लोर को साफ़ किया है। सिस्टमेटिकली मैंने किचन क्लीन किया है, ये क्लीनिंग रूल्स मैंने फॉलो किए हैं, अदरवाइज़ क्लीनिंग कहाँ से स्टार्ट करनी ये मुझे कन्फ्यूजन हमेशा हो जाती है। क्लीनिंग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट अगर क्लीनिंग रूटीन्स या सिस्टम फॉलो करें तो क्लीनिंग जल्दी और ईजीली हो जाती है। किचन काउंटर टॉप को डेकोरेट और फंक्शनल बनाने के लिए यहाँ मैंने यूज़ किया है केक स्टैंड और वुडन ट्रे जिसे मैंने सबसे पहले साफ़ किया है और उसके बाद इन्हें मैं वापस काउंटर टॉप पे रख दूंगी और इन पे मैंने रखे हैं ऑलमोस्ट डेली कुकिंग में यूज़ होने वाले सभी कुकिंग एसेंशियल्स। कुकिंग टाइम इससे सेव होता है और किचन काउंटर टॉप देखने में भी अच्छा लगता है।
अपर कैबिनेट इस किचन में नहीं है, बट क्रॉकरी यूनिट है मेरे पास, तो ज़्यादा स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं है मुझे। पहले इस कैबिनेट को मैंने पूरा खाली किया है और इसके बाद मैंने इसे साफ़ किया है और कुछ ग्लासेस और क्रॉकरी मैंने यहाँ पर वॉश की है। ऑल पर्पज़ क्लीनर और माइक्रोफाइबर के साथ मैंने इस सरफेस को साफ़ किया और उसके बाद कुछ ग्लासेस और क्रॉकरी धोने के बाद उन्हें सुखाकर मैंने वापस इस कैबिनेट पे रखा है और रीऑर्गेनाइज किया है इस कैबिनेट को। इन ग्लासेस को और कुछ और क्रॉकरी को मैंने साफ़ करने के बाद इन्हें अरेंज किया है कैबिनेट में। किचन की स्पेस को मैक्सिमाइज या ऑर्गेनाइज करने का बेस्ट वे है ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करना। स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है और साथ ही किचन को और भी ज़्यादा फंक्शनल बनाते हैं, ज़्यादा यूज़फुल बनाते हैं। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए हैं अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैंने फ्रिज, पेंट्री, कैबिनेट और अंडर द किचन सिंक कैबिनेट, इन सभी स्पेसेस को ऑर्गेनाइज किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ। बास्केट्स, स्टैकेबल रैक, बिन्स बहुत यूज़फुल हैं और कोई भी स्पेस घर में इनसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस 3-tier रैक को यूज़ किया है मैंने इस कैबिनेट के इस कॉर्नर में। किचन शेल्व्स, काउंटर टॉप पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का ये रैक है तो रस्ट फ्री है। काफ़ी टाइम से मैं इस मेरे पास ये रैक है और वॉश करने के बाद इसमें जंग नहीं लगता है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। अच्छे क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, टूल्स, क्लीनिंग सप्लाईज या ऑर्गेनाइजर्स में इन्वेस्ट करना, मतलब एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड घर का होना। रीजनेबल प्राइस है इन सभी ऑर्गेनाइजर्स का और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट इजी वे है स्टोरेज स्पेस को इंक्रीज करने के लिए। फ्रिज का क्लीन होना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डीप क्लीनिंग का। फ्रिज खाली करने के बाद शेल्व्स और पूरे फ्रिज को अंदर से साफ़ किया है मैंने इस स्टेन वीक किचन क्लीनर के साथ, और स्प्रे करने के बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ किया है मैंने फ्रिज को। फ्रिज और फ्रीज़र शेल्व्स मैंने इसी किचन क्लीनर के साथ साफ़ किए हैं। शेल्फ्स ड्राई हो जाने के बाद खाने का सामान मैंने वापस से फ्रिज में रखा है और कुछ ऑर्गेनाइजर्स के साथ फ्रिज को ऑर्गेनाइज किया है। ज़्यादातर मैंने क्लियर बिन्स यूज़ किए हैं फ्रिज ऑर्गेनाइज करने के लिए। नीट एंड क्लीन लुक के लिए ये क्लीन बिन्स बिल्कुल परफेक्ट है और किस बिन में क्या रखा है ये भी ईजिली देख सकते हैं, और ये सभी अफोर्डेबल ऑर्गेनाइजर्स हैं। एयरटाइट कंटेनर्स बेस्ट स्टोरेज कंटेनर्स है पेंट्री में फूड स्टोर करने के लिए। इन कंटेनर्स को फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं ड्राई फूड आइटम स्टोर करने के लिए। एयरटाइट कंटेनर्स हैं तो फूड आइटम्स जल्दी ख़राब होने के चांसेस नहीं हैं, और क्लियर कंटेनर हैं तो पेंट्री को नीट और क्लीन लुक भी देते हैं और ईजिली विजिबल है कि किस कंटेनर में क्या रखा है। अंडर द किचन सिंक कैबिनेट वो एरिया है जो नॉर्मली हम डेली या वीकली किचन क्लीनिंग रूटीन में साफ करना भूल जाते हैं। इस स्पेस को भी मैंने इस दिन डीप क्लीन करके रीऑर्गेनाइज किया है। वैक्यूम क्लीन करने के बाद फ्लोर पे स्टेन वी किचन क्लीनर स्प्रे किया है और माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ फ्लोर को मैंने साफ किया है। यहाँ सभी मैंने क्लीनिंग सप्लाईज स्टोर की हैं इन बास्केट्स पे और 2-tier स्टील ट्रॉली बास्केट ऑर्गेनाइजर में। ये बास्केट सभी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं, इन्हें मैं पहले वॉश करूँगी और जब तक ये ड्राई होंगी मैं स्टील बास्केट ऑर्गेनाइजर को साफ करके उसे अरेंज करूँगी। इस कैबिनेट को क्लीन और ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, स्पेस कम है और सिंक और पाइप्स के अराउंड ही इस एरिया को क्लीन और ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, बट प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स के साथ इस एरिया को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इजीली। शेल्व्स इस कैबिनेट में नहीं है पर मैंने यहाँ पर ये 2-tier स्टील ट्रॉली बास्केट ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। नॉर्मली पहले मैं इसमें आलू प्याज रखती थी किचन में, पुराना हो जाने के बाद मैंने इस बास्केट ऑर्गेनाइज़र को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। गार्बेज बैग के पैकेट्स, लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिक्विड, स्प्रे, स्क्रब, डिश ड्रॉप, ये सब मैंने इस बास्केट में रखा है और इन प्लास्टिक बास्केट में मैंने मक्की के क्लीनिंग सप्लाईज और माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स रखे हैं।
किचन सिंक सभी डिशेस साफ करने के बाद मैंने क्लीन किया है डिश वॉश और स्क्रब के साथ, और उसके बाद गर्म पानी मैंने सिंक के पाइप में डाला है ताकि अच्छे से पाइप क्लियर हो जाए, और उसके बाद कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल्स के ताकि किचन क्लीन और फ्रेश हो जाए, अच्छा स्मेल करे। इसके बाद क्लीन किया है मैंने किचन की स्लाइडिंग ग्लास विंडोज़ को और किचन ड्रॉर्स को बाहर से। डाइनिंग टेबल को ऑल पर्पज सरफेस क्लीनर के साथ साफ करने के बाद मैंने किचन फ्लोर्स को सबसे लास्ट में वैक्यूम क्लीन करके मॉप किया है। आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो आज का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।